नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। किशोर कुमार जितने बहुआयामी कलाकार थे, उतने ही बहुआयामी उनका व्यक्तित्व भी था। उनसे जुड़े किस्सों की तादाद इतनी है कि पूरा का पूरा दीवान भर जाए, पर किस्से खत्म ना हो। किशोर कुमार ने अगर हजारों गाने गाए हैं अपने जीवन में, तो उनके पंगों और कारस्तानियों के किस्से भी सैकड़ों में होंगे। जो व्यक्ति अपने फार्म हाउस को पागलों का अस्पताल कहता हो, उसकी तो बात ही निराली होगी। जो अपने पत्नियों को बंदरिया कहकर भी बच जाए, वो किशोर कुमार ही हो सकते हैं। वैसे वो अपनी पत्नियों को बंदरिया इसलिए कहते थे क्योंकि उनकी लगभग सारी पत्नियां बांद्रा में ही जन्मी थी। किशोर कुमार साहब भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रहे। चाहे काम हो या व्यक्तिगत जीवन, वो जो भी करते वो दुनिया से हटकर करते थे। और जिस तरह से वो सब कुछ करके भी बच निकलते थे, ये कला तो सिर्फ किशोर कुमार ही जानते थे। तो आइए आज रूबरू होते हैं उनसे जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों से, जहां उन्होंने अभिनेताओं से लेकर नेताओं तक से पंगे लिए। अरे वाह, अरे वाह। किशोर कुमार अपने मजाक को एक अलग ही स्तर पर ले जाने के लिए जाने जाते थे, जो शायद बहुत लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाता था। उन्होंने अपने फ्लैट के आगे साइन बोर्ड लगा रखा था, जिसमें लिखा था कि किशोर कुमार से सावधान। ये बोर्ड देखकर लोग किशोर कुमार के सेंस ऑफ ह्यूमर पर मुस्कुराकर निकल जाते। पर निर्देशक हरनाम सिंह रवेल को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। इस किस्से के दो संस्करण मिलते हैं। पहला ये कि एक बार रवेल साहब किशोर कुमार से मिलने उनके घर पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि किशोर कुमार अपने गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके सामने रोटी और पानी भी रखा हुआ है और वो बीच बीच में भौंकने भी लगते थे। यह देखकर हरनाम सिंह रवेल की ऐसी स्थिति हो गई कि वो कहें तो क्या कहें। दूसरा संस्करण यह है कि वो एक बार किशोर कुमार के फ्लैट में उनका बकाया चुकाने के लिए गए। फ्लैट के बाहर बोर्ड देखा, किशोर से सावधान। उन्होंने बोर्ड देखा, मुस्कुराए और अंदर दाखिल हुए। जब उन्होंने किशोर कुमार के पैसे चुकाए और अभिवादन के तौर पर हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, तो किशोर कुमार ने उनका हाथ काट लिया। जब उन्होंने इस बेअदबी का कारण पूछा, तो किशोर कुमार ने जवाब दिया कि बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या, साफ साफ तो लिखा हुआ है किशोर से सावधान। किशोर कुमार का ऐसा व्यवहार सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आने जाने वाले बहुत से लोग किशोर कुमार का निशाना बन जाते थे। एक बार उनके घर में एक इंटीरियर डिजाइनर कोट पैंट और टाई लगाकर पहुंच गया, वो भी चिलचिलाती हुई धूप में। किशोर कुमार ने उनसे बोला कि मुझे ड्राइंग रूम में कई फीट पानी चाहिए, जहां टेबल कुर्सी की जगह पर छोटी छोटी नावें चलाई जा सके। ऐसी अजीबोगरीब मांग सुनकर डिजाइनर भौचक्का रह गया और उसने कहा कि ऐसी ड्राइंग रूम नहीं बनाई जा सकती है। इस पर किशोर कुमार ने तपाक से बोला कि तुम इस चिलचिलाती धूप में 3-पीस सूट पहन सकते हो, तो ये काम क्यों नहीं कर सकते। खैर, ऐसे हल्के फुल्के मजाक तो उनका रोज का ही काम था। अभिनेत्री मधुबाला को फिल्म महल की शूटिंग के दौरान उन्होंने मुखौटा और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ लगाकर इतना डराया कि वो चिल्लाती हुई होटल से बाहर की ओर भाग निकली थी। किशोर कुमार कभी भी अभिनय को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे, इस कारण वो अपने फिल्म के सेट पर अक्सर बेमन से काम करते और लापरवाही दिखाते थे। इनकी सरकत से तंग आकर एक बार एक निर्माता ने इन पर केस भी कर दिया था। किशोर कुमार ने उनसे तब वादा किया कि अब वो उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। अगले ही दिन वो फिल्म के सेट पर पहुंचे, जहां उनका गाड़ी चलाने का सीन था। किशोर कुमार ने गाड़ी स्टार्ट की तथा डायरेक्टर ने जैसे ही एक्शन बोला, किशोर कुमार गाड़ी लेकर सेट से बाहर निकल गए तथा गाड़ी चलाते हुए खंडाला तक जा पहुंचे। इससे पहले कि सेट पर मौजूद लोगों को कुछ समझ आता, वो उनकी आंखों से ओझल हो चुके थे। बाद में जब उनसे इस बर्ताव की वजह पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तो डायरेक्टर की बात मान रहा था, जब उन्होंने मुझे कट कहा ही नहीं तो मैं रुकता कैसे। किशोर कुमार से जुड़े लोग भी उनके मजाकिया बर्ताव से बच नहीं पाए थे। वो अक्सर पेड़ों से बातें करते और उनका नाम रखकर उनको अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते थे। जर्नलिस्ट प्रीतिश नंदी को उन्होंने यही बताया था कि उनके सबसे अच्छे दोस्त ये पेड़ हैं, जिनसे वो घंटों बातें करते हैं। आशा भोसले बताती हैं कि अक्सर स्टेज शो में किशोर कुमार एक अदृश्य बच्चे को साथ लेकर आते थे, जिससे वो अपने बेटे की तरह बात करते थे।
कई बार वो स्टेज शो के दौरान कभी कभी अपने बड़े भाई अशोक कुमार भी बन जाया करते थे और कभी तो खुद का बचपन का ही रूप ले लेते और गाना गाने के लिए पैसे भी मांगने लगते थे। पद्मिनी कोल्हापुरे बताती है कि फिल्म इश्क 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 के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी तो किशोर कुमार रिकॉर्डिंग रूम में आए जहां लता जी पहले से ही तैयार बैठी थीं। आते ही उन्होंने इशारा किया कि उनका गला थोड़ा बैठा हुआ है और वो गाने की हालत में नहीं है। यह जानकर स्टूडियो में सबके हाथ पांव फूल गए। रिकॉर्डिंग कैंसिल होने ही वाली थी कि किशोर कुमार ठहाका मार के हंसने लगे, तब कहीं जाकर लोगों के जान में जान आई। पर किशोर कुमार ये काम अक्सर ही किया करते थे। अगर उन्हें कोई गीत न पसंद आए या उनकी पेमेंट न मिले तो वो गला खराब होने का बहाना बना देते और स्टूडियो से बाहर चले जाते। किशोर कुमार अपनी पेमेंट के लिए बड़े ही जज्बाती थे। अपने संघर्ष के दिनों में कई बार उन्हें काम के बदले उपयुक्त पारिश्रमिक नहीं मिलता था, इसलिए जब उन्होंने सफलता देखी तो एडवांस में पैसे लेने शुरू कर दिए। 5 रुपया 12 आना। कई बार वो बिना पैसों के फिल्म में काम करने से मना कर देते थे और इस कारण कई बार उन्हें कई बेहतरीन फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। ये बात तो सबको पता ही है कि पहले ऋषिकेश मुखर्जी अपनी कालजयी फिल्म आनंद के लिए किशोर कुमार को लेना चाहते थे पर ऐसा नहीं कर पाए। इस विषय में दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली तो ये कि जब ऋषिकेश मुखर्जी उनसे मिलने गए तो उनके दरबार ने ऋषिकेश मुखर्जी को अंदर आने नहीं दिया। इसका कारण यह था कि एक बंगाली प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार के कुछ पैसे नहीं चुकाए थे। किशोर कुमार ने अपने दरबार को हिदायत दे रखी थी कि उस बंगाली को अंदर आने मत देना। दरबार ने गलती से ऋषिकेश मुखर्जी को वही निर्माता समझकर भगा दिया। दूसरी कहानी यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी और किशोर कुमार के बीच पैसों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में जब ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें सेट पर बुलाया तो वो बाल मुंडवाकर वहां पहुंच गए। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने उनकी जगह पर राजेश खन्ना को साइन कर लिया था। एक अन्य फिल्म के सेट पर वो आधी मूछ और आधे मेकअप के साथ पहुंच गए क्योंकि उन्हें सिर्फ आधी पेमेंट ही मिली थी। जब निर्माता ने इसका कारण पूछा तो किशोर कुमार ने उनसे कहा कि आधी पेमेंट में आधा किशोर ही मिलेगा। इसी तरह फिल्म भाई भाई की शूटिंग भी पूरी होने वाली थी पर किशोर कुमार को अभी तक उनकी पेमेंट नहीं की गई थी। ऐसे में उन्होंने बिना पेमेंट के बाकी बची शूटिंग करने से इनकार कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ उनके बड़े भाई अशोक कुमार भी काम कर रहे थे। अशोक कुमार के कहने पर वो सेट पर तो जरूर आए पर सीन करने की जगह पर वो उछलते हुए बीच में जाकर खड़े हो गए और बोले कि 5,000, फिर एक और छलांग मारी और कहा कि 10,000। चौथी छलांग तक वो सेट के दरवाजे तक जा पहुंचे जहां से वो बाहर निकल गए। इसी तरह निर्माता आरसी तलवार जब बार बार बोलने पर भी उनके पैसे चुकाने को तैयार नहीं हो रहे थे तो किशोर कुमार उनके घर के सामने जाकर गाने लगे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही जब तक कि तलवार साहब ने उनके पैसे नहीं चुका दिए। दरअसल किशोर कुमार पैसों के मामले में बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को हिदायत दे रखी थी कि जब मेरी पूरी पेमेंट हो जाए तो मुझे इशारा कर देना, मैं तभी गाना शुरू करूंगा। फिल्म कहते हैं मुझको राजा की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीत मंडली जमी थी पर किशोर कुमार बार बार चाय पिए जा रहे थे और फिर कहते थे कि यार चाय अभी तक नहीं आई। सब लोग परेशान थे कि आखिर किशोर कुमार बार बार चाय क्यों मांग रहे हैं, वो भी तब जबकि वो 20 से भी ज्यादा कप चाय पी चुके हैं। दरअसल किशोर कुमार चाय के नाम पर अपनी पेमेंट मांग रहे थे। जब काफी देर हो गई और पैकअप कर दिया गया तो किशोर कुमार गाने के लिरिक्स लेकर चले गए। अगले दिन जब उनकी पेमेंट हो गई तो वो स्टूडियो पर आए और बोले कि रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले लिरिक्स लेकर आओ। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग काफी परेशान हो गए और उनसे कहा कि आप तो कल ही लिरिक्स लेकर गए थे अपने साथ। किशोर कुमार ने बहुत याद किया, फिर बोले, अच्छा वो गाने के लिरिक्स थे क्या? मैंने रास्ते में चाट खाई और हाथ पोछने को कुछ नहीं मिला तो उसी कागज से पोछकर कूड़ेदान में उसे फेंक आया। ये अलग बात है कि उसके बाद किशोर कुमार ने खुद वहां बैठकर गाना बनाया और गाया। दो दफा ऐसा भी हुआ जब उनके सेक्रेटरी उनको इशारा देने से चूक गए। किशोर कुमार माइक के सामने जाकर अजीब अजीब आवाज निकालने लगे, फिर सेक्रेटरी को देखते फिर आवाज निकालने लगते। निर्माता ने सेक्रेटरी से पूछा, ये
किशोर दा गा क्यों नहीं रहे हैं। तब सेक्रेटरी को याद आया कि वो तो इशारा देना ही भूल गए हैं। उन्होंने तुरंत हाथ उठाकर इशारा किया, तब कहीं जाकर किशोर कुमार ने गाना शुरू किया। दूसरी दफा ऐसा हुआ कि किशोर कुमार बार बार सेक्रेटरी को देखते रहे, पर सेक्रेटरी ने कोई इशारा नहीं किया। तब उन्होंने पूछा, क्या प्रोड्यूसर ने पेमेंट नहीं किया क्या? तो सेक्रेटरी ने उन्हें याद दिलाया, इस फिल्म के प्रोड्यूसर तो आप ही हो। किशोर दा के भीतर के गीतकार से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प किस्सा तब का है जब उन्होंने अपनी फिल्म दूर गगन की छांव में गीतकार शैलेंद्र से कुछ गाने लिखवाने के बाद उन्हें निकाल दिया। जब उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा तो उनका जवाब यही था कि किशोर कुमार के कहने पर ही ऐसा किया गया है। शैलेंद्र ने तुरंत ही उन्हें फोन किया। जब किशोर कुमार को पता चला कि फोन पर शैलेंद्र है तो उन्होंने तुरंत औरत की आवाज में बात करना शुरू कर दिया ताकि ये लगे कि वो घर पर नहीं है। पर शैलेंद्र साहब ने उन्हें पहचान लिया और पूछा कि मुझे फिल्म से बाहर क्यों निकाला आपने? तो किशोर कुमार ने जवाब दिया कि फिल्म के निर्माता निर्देशक बहुत ही कंजूस हैं, वो फिल्म के लिए और कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। शैलेंद्र ने पूछा कि कौन है निर्माता? किशोर कुमार ने जवाब दिया कि मैं, और निर्देशक वो भी मैं। किशोर कुमार ने उन्हें बताया कि उनके पास शैलेंद्र को देने के लिए फिलहाल पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने आखिरी गीत स्वयं ही लिख दिया। शैलेंद्र उनसे नाराज तो बहुत हुए, पर जब उन्होंने वो गीत सुना जो किशोर कुमार ने लिखा था तो यही कहा कि मैं भी लिखता तो ऐसा गीत नहीं लिख पाता। यह गीत था आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। किशोर कुमार के पंगे सिर्फ निर्माता निर्देशकों तक ही नहीं सीमित थे, बल्कि अभिनेताओं से भी उनके पंगे होते रहते थे। अलग अलग समय में उन्होंने अलग अलग अभिनेताओं को आवाज देने से इनकार कर दिया था। फिल्म आराधना के दो गीत किशोर कुमार से गवाने के लिए आरडी बर्मन उनके पास गए तो किशोर कुमार ने साफ कहा कि मैं राजेश खन्ना के लिए तब तक नहीं गाऊंगा जब तक वो खुद मुझसे मिलने नहीं आएंगे। उनके कहने पर राजेश खन्ना किशोर कुमार से मिलने गए। वहां किशोर कुमार ने उनसे पूछा कि फिल्मों में आप क्यों आए हो? तो राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि वो फिल्मों के प्रति जुनूनी हैं और लोगों का मनोरंजन करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद किशोर कुमार बड़े ही खुश हुए और उन्होंने राजेश खन्ना के लिए गाने की हामी भर दी। बाद में शक्ति सामंत ने बताया कि वास्तव में किशोर कुमार ने राजेश खन्ना को इसलिए अपने घर पर बुलाया था ताकि वो उनके हाव भाव को पढ़ सके और उनके हिसाब से गाने गा सके। इसी तरह एक समय उन्होंने अमिताभ बच्चन से नाराज होकर उनके लिए गाना गाने से इनकार कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फिल्म नसीब के समय किशोर कुमार भी एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे जिसका नाम था ममता की छांव में। किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन से कहा कि वो इस फिल्म में एक कैमियो रोल करे। पहले तो अमिताभ बच्चन टालमटोल करते रहे और फिर अंत में मना कर दिया। इससे किशोर कुमार इतने आहत हुए कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए गाने से इनकार कर दिया। ये अलग बात है कि अपने प्रिय मित्र आरडी बर्मन और अपने भांजे बप्पी लाहिड़ी की फिल्मों में जरूर उन्होंने अमिताभ बच्चन को आवाज दी, जैसे कि सत्ते पे सत्ता, बेमिसाल, नमक हलाल और शराबी, पर बाकी किसी संगीत निर्देशक के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को आवाज नहीं दी। ये सिलसिला आखिरकार टूटा फिल्म शहंशाह से और इसके बाद फिल्म तूफान में भी उन्होंने अमिताभ बच्चन को आवाज दी, मगर ये दोनों ही फिल्में किशोर कुमार के मृत्यु के बाद ही रिलीज हुई थी। उसी तरह मिथुन चक्रवर्ती से भी नाराजगी के चलते किशोर कुमार ने उन्हें आवाज देने से मना कर दिया था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि किशोर कुमार की तीसरी पत्नी थी योगिता बाली, जिनके साथ उनकी शादी बामुश्किल 2 सालों तक ही चली। इसी बीच खबरें आई कि योगिता बाली की नजदीकियां मिथुन से बढ़ रही हैं। ये भी खबर आई कि किशोर कुमार और योगिता के अलग होने की वजह मिथुन चक्रवर्ती ही थे। किशोर कुमार से तलाक लेकर योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। इन सभी बातों से किशोर कुमार इतने खफा हुए कि मिथुन के लिए गाने से इनकार कर दिया। पर यहाँ भी उन्होंने आरडी बर्मन और बप्पी लहड़ी के संगीत निर्देशन में मिथुन चक्रवर्ती के लिए कुछ गाने गाए थे। ये फिल्में थी सुरक्षा, आमने सामने, बॉक्सर आदि। कई बार यूं भी हुआ कि किशोर कुमार को पंगा लेना महंगा पड़ गया। एक बार तो उन्होंने तत्कालीन सरकार से ही पंगा ले लिया था और इसके लिए उन्हें अंजाम भी भुगतना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि आपातकाल के समय सरकार ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखा। इसके प्रचार प्रसार के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया, जैसे जीपी सिप्पी, सीवी श्रीधर, बीआर चोपड़ा आदि, पर किशोर कुमार ने आने से मना कर दिया। जब उन्हें मंत्रालय की ओर से फोन करके बुलाया गया तो
उन्होंने जवाब दिया कि उनका गला खराब है और उन्हें दिल संबंधी समस्या है, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल गाने से मना किया है। पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय को उनकी ये बहानेबाजी बिल्कुल ही नहीं पसंद आई और फलस्वरूप उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उनके गानों को रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिया गया और उनकी फिल्मों को टेलीविजन पर प्रसारण की रोक लगा दी। इससे नुकसान निश्चित तौर पर किशोर कुमार का ही हुआ और उन फिल्मकारों का भी, जिनकी आने वाली फिल्मों में किशोर कुमार गाना गा रहे थे या गा चुके थे। अंततः 1976 में किशोर कुमार ने खुद एक माफीनामा देकर इस विवाद का अंत किया था। किशोर कुमार के जीवन से जुड़े न जाने और कितने किस्से हैं जो यादों के पिटारों से सर उठाकर इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई आकर उन्हें दुनिया के सामने पेश करे। पर इस वीडियो की लंबाई को देखते हुए हम यही विराम लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।